बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम लोग परेशान क्यों हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर अपना कुछ परेशान से रहते हैं। बहुत बार होता है ऐसा। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके कहा कि सर मैं बड़ा ही स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ सर कि मेरे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब मुझे ये बार बार पूछने पे लगे हुए हैं आजकल, भाई तैयारी चल कैसे रही है, तुझे तो 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, तुझे तो इतना दिन हो गया तैयारी करते हुए, तो क्या हुआ अभी कुछ एग्जाम एग्जाम पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये तो खैर इस बच्चे ने तो मेरे से शेयर कर लिया, ये लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट की कहानी है कि अपना चाहे कोई रिलेटिव हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, अपना सब लोग अपना एक कहते हैं ना देसी भाषा में फिरकी लेने पर लगे हुए हैं, ये अपना मोटिवेट तो कर नहीं सकते तो और ज्यादा इन्हें डिमोटिवेट करें। लेकिन आप लोगों को ये ठान लेना है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको एक पॉलिसी अपना जीवन में अभी से लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये पॉलिसी होती है कि जीवन में अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार करिए, या अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को ताकतवर बनाइए जो आपको ये ताकत प्रदान करे कि इग्नोर द पीपल। जिस दिन आपने ये शक्ति को अपने अंदर पनपने दिया और उस शक्ति को आपने और मजबूत रिप्रेजेंट किया खुद के सामने, कौन सी शक्ति है, इग्नोर द पीपल, कि इस तरह के लोगों को इग्नोर करने की आदत बना लीजिए, इग्नोर करिए। जहां से आपको जो आपको निगेटिव करता है या जो आपका थॉट प्रोसेस को उस तरह का बनाता है कि आप सकारात्मक के बजाय ऋणात्मक सोचने लग जाए, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने की आदत बना लीजिए। आज जैसे ही आप लोग घर से बाहर निकले तो आपके किसी चाहने वाले ने बोला, भाई इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, इग्नोर द पीपल। भाई कुछ नहीं हुआ भाई, क्या करें, अपना तैयारी कर रहे हैं, अपना जब होगा तब पता चल जाएगा। तो इस तरह की अपना एक मेंटलिटी को अपने अंदर तुम्हें जन्म देना पड़ेगा। अब आप लोगों के साथ उल्टा है, उसने पूछ लिया, आप लोग टेंशन में आ गए, टेंशन में आ गए यार इसने पूछ लिया, मेरे पास तो कुछ बताने का है नहीं, तो ऐसे तुम और ज्यादा टेंशन में रहोगे, और ज्यादा परेशान रहोगे, तो रिजल्ट अच्छा आने की बजाय और ज्यादा बर्बादी की तरफ जाओगे। लोगों का काम है कहना है ना, वो तो कहते रहेंगे, और आपका काम है उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना। और यही चीज ऐसी है कि कई बार तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि यार हम एक्चुअली में परेशान क्यों हैं, लेकिन आप इस तरह के लोगों को यदि सीरियस लेके सोचते हो जो आपको निगेटिविटी का अनुभव करवाते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मेरे तो सुबह से शाम तक सब कुछ तो अच्छा था यार, लेकिन मैं परेशान सा हूं। और ऐसा ये आप ही के साथ नहीं, नेचुरल फिनोमिना है, हमारे साथ भी होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता हम परेशान क्यों हैं, लेकिन जब हम आराम से बैठते हैं सोचते हैं कि हाँ यार दिमाग के एक कोने में ये बात है, ये आप लोगों के साथ भी होता है। और जितना आप अपनी तैयारी को टेंशन के साथ में करेंगे, टेंशन इन द सेंस कि आप भयंकर अपना दबाव महसूस कर रहे हैं, पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो जा रही है भाई, तुम्हें तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्या हो गया भाई, नौकरी नहीं लगेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की विचारधारा अपने अंदर तुमने जन्मा दे रखी है, या इस तरह की विचारधारा को तुम अपने अंदर पनपने दे रहे हो, तो यहां से तुम पॉजिटिव होने के बजाय और ज्यादा निगेटिव हो जाओगे। जैसे आज कुछ बच्चे अपना मेरे से बात करने के लिए आए, तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि सर ये बाकी के दो विद्यार्थी ये पूछना चाहते हैं कि अगर 1 साल 2 साल में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे। मेरा बड़ा क्लियरली जवाब यह था, भाई बाबू दुनिया में गारंटी तो किसी चीज की नहीं है ना, लेकिन अगर ये चीज डरने अगर हारने का डर है तो फिर शुरुआत कर क्यों रहे हो। और जब आप किसी काम की शुरुआत जिस नीति और रीति के साथ में करते हो, ऐसे कुछ रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत को आप ऋणात्मक तरीके की विचारधारा के साथ करेंगे तो उसी तरह के आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। इसीलिए अपना सकारात्मक विचारधारा रखिए और अपना धीरे धीरे हर एक दिन आगे बढ़ते रहिए। अपने से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार
सभी को इग्नोर करने की आदत बनाइए और शांति से अपना जो आपको करना है, अपने लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना मेहनत में जुटे रहिए। आप किसी को जवाब मत दीजिए, जवाब देता है मुंह खोल के जवाब देता है कमजोर आदमी। आप जवाब मुंह से मत दीजिए, आप अपनी सफलता के दम पर जवाब दीजिए, जब रिजल्ट आएगा सबको दिख जाएगा। और ऐसा भी नहीं होता यार, आप लोग उन लोगों को सोचकर ज्यादा टेंशन में हो जिन्होंने अपने आप दुनिया में कुछ किया नहीं और वो तुम्हें सलाह देने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप सोचोगे, ऐसे लोगों के बारे में यदि आप सोचोगे, तो भैया ग्राफ बढ़ने के बजाय ग्राफ गिरेगा। तो जीवन में कुछ बड़ा करना है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो लोगों को इग्नोर करने की आदत बनाओ कि छोड़ो यार अपना, जो इसने बोला सो बोला, अपना इग्नोर करेंगे उसे और अपना जो लक्ष्य है उस पर अपना काम करेंगे। तो मैं तो आप सभी को यही समझाना चाहूंगा कि इस छोटे से सेशन का मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन में बड़ा करना है, कुछ इतिहास रचना है, तो सकारात्मक विचारधारा बहुत जरूरी है और लोगों को इग्नोर करना अपना शुरू करिए, क्योंकि लोग आपको मोटिवेट नहीं रखेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। और जबरदस्ती के थॉट को अपने अंदर मत पनपने दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपनी ताकत का एहसास करना बस जरूरी है। जैसे आपको पता होगा कि हनुमान जी अपनी सब ताकत को भूले बैठे थे, कुछ याद ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी पावरफुल चीजें हैं या मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। लेकिन बहुत सारी जो ताकत थी वो अपने अंदर समा के अपना रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं था। यही आप लोगों की कहानी है, बस आपको वो सिखाने की जरूरत है। जब जामवंत ने उन्हें बताया, सब चीजें सिखाई और उन्हें एहसास कराया, अरे वाह क्या अल्टीमेट लेवल की ताकत का अनुभव उन्होंने किया कि यार मैं तो क्या था और मैं क्या अपना बना हुआ हूँ। यही आपकी चीजें भी हैं, आप में स्टेमिना है, आप में पोटेंशियल है, लेकिन आप बाकी लोगों से अफेक्टेड है। अब जरा सोचने की बात है, यदि हनुमान जी को सब ये कहते रहते हैं कि तू नहीं कुछ कर सकता, तू है ही भाई ऐसे, तुम तो वानर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तो शायद वो भी सोचते कि चलो ठीक है, अगर दुनिया को सीरियस लेते हैं चलो छोड़ो यार। लेकिन उन्होंने ऋणात्मक चीजें, यानी कि जो नेगेटिव चीजें थी उनको नहीं अपनाया, उन्हें जो एक पॉजिटिव चीज लगी कि तुम्हें ये करना चाहिए वो किया और बन गए अपना देख लो महाबली। इसी तरह से अपने आसपास के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं उनको इग्नोर करिए और अपने लक्ष्य को याद रखिए और अपना उसे प्राप्त करने के लिए रात दिन अपना मेहनत करिए। तो आज के बाद उन लोगों को सीरियस लेकर अपनी तैयारी इफेक्ट मत करिएगा, सकारात्मक विचारधारा अपने अंदर हमेशा जिंदा रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।